नमस्कार दोस्तों, ठुल्लू पत्रकार में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की ताज़ा खबर आपने सभी ने सुनी होगी कि दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में दिन दहाड़े गोली चली, तो आखिर उसके पीछे क्या वजह थी, क्या था पूरा मामला। आज बहुत छोटे बहुत कम समय में पूरे मामले को समझेंगे। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में आज दिन दहाड़े रोहिणी कोर्ट परिसर में फायरिंग से हड़कंप मच गया। कोर्ट में हुई गैंगवार में जितेंद्र जोगी की मौत हो गई। उसे तिहाड़ जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया था। बताया जा रहा है कि गोगी के विरोध सुनील मान और टिल्लू ताजपुरी गैंग के दो हमलावरों ने उसे गोली मारी। तीन अन्य लोगों के मारे जाने की भी खबर है। इसका मतलब कुल चार लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि दोनों हमलावर वकील की ड्रेस में आए थे और उन्होंने ही फायरिंग की। काला कोट और काली पैंट होने के कारण उन्हें कोर्ट में आसानी से एंट्री मिल गई। बाद में गोलियों की तड़तड़ाहट से स्पेशल सेल के जवान एक्शन में आ गए और दोनों हमलावरों को मौके पर ही मार गिराया। दोस्तों, आपको ये और बता दूं, कोर्ट परिसर में फायरिंग की घटना 16 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो हम आपको दिखा नहीं सकते, काफ़ी डिस्टर्बिंग वीडियो है, जिसमें स्पेशल सेल के जवान को मोर्चे संभालते देखा जा सकता है। गोलियों की आवाज़ सुनते ही वकील और दूसरे लोग जो जहाँ थे वो वहीं थम गए। आखिर कौन है जितेंद्र जोगी? दोस्तों, जितेंद्र जोगी वही शख्स है जिसके बारे में इस साल पता चला था कि वो जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपना गैंग चला रहा था। अलीपुर दिल्ली का रहने वाला गोगी पर हत्या, लूटपाट, जमीन कब्जाने जैसे कई मामले दर्ज हैं। 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया। वह 3 महीने की कस्टडी से फिर फरार हो गया था। एक समय उस पर 4 लाख का इनाम रखा गया। बाद में उसे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। दोस्तों, आखिर इन दुश्मनी या फिर चल किस बात पर थी, इसके बारे में बात करते हैं। टिल्लू ताजपुरी और जितेंद्र गोगी दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी के श्रद्धानंद कॉलेज के छात्र थे। कॉलेज के समय से ही दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो गई। आगे ये इतनी बढ़ गई कि 3-4 वर्षों में 20 से ज़्यादा इन लोगों के बीच में गैंगवार हुई, जिसमें कई लोगों की जान गई। दिल्ली के बुढ़ारी के इलाके में दोनों के बीच 6,000 फायरिंग हुई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। अब रोहिणी कोर्ट में इस गैंगवार के बाद सवाल उठ रहे हैं कि कोर्ट परिसर के हमलावर हथियार लेकर अंदर दाखिल कैसे हो गए। कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।